हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। आप सबके लिए इतना एफर्ट चल रहा है पूछो मत। आज भी मैं आप सबके लिए चार बहुत बड़ी न्यूज सर मैं आया हूँ कि आपके एग्जाम सारे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं आपके, तो उसमें क्या चीज़ें ऐसी है जो आपको बताने वालों, मैं उसे बात करने वालों में इसमें कि प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैंने प्रैक्टिकल दे दिया, क्या मुझे थ्योरी का एग्जाम देना कंपल्सरी है? मैं उन बच्चों को बोलने आता हूँ कि आप चाहे प्रैक्टिकल या थ्योरी दोनों में ही बच्चे को सेपरेट पास होना कंपलसरी है और एग्जाम देना कंपलसरी है। सर मैंने प्रैक्टिकल दे था, थ्योरी में नहीं दे पा रहा, कोई भी रीजन है उससे तो मैं एग्जाम नहीं दे पा रहा, तो सर क्या मैं पास हो सकता हूँ? जी नहीं, आप पास नहीं हो सकते, आपको दोनों ही प्रैक्टिकल थ्योरी ही देना पड़ेगा। दूसरी जो बात करने वाला हूँ कि बच्चे ये बोल रहे थे कि सर प्रैक्टिकल में कितना टाइम लगेगा, इससे बात करने वाला हूँ, समझाने में क्या है क्या नहीं हमारा कि कितने टाइम का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। तीसरी और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपके 22 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं थ्योरी एग्जाम से, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर आने हैं? अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप एग्जाम ना दे पाओ। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, एग्जामिनर जो होता है उसके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड होता है क्या है क्या नहीं है, तो आप एक बार देख लेना ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कैरी करना मत भूलना। फोर्थ नंबर की जो बात है वो सबसे बड़ी और मेन बात है, इसमें क्या है आपका, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी होल टिकट डाउनलोड नहीं हो पा रही। अब वो क्यों नहीं हो पा रही उससे बात करने वाला हूँ मैं, देखना कैसे है क्या है नहीं है। छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ उस तारीख में, इसमें सबके डाउट्स एकदम क्लियर करने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। अरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि हमारी जो फैमिली है 5K कंप्लीट होने वाली है बहुत जल्दी, बस आप सबका सपोर्ट चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीधा क्या आते हैं, जल्दी से बात करते हैं इसमें क्या है क्या नहीं हमारा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल और थ्योरी, फर्स्ट जो बात हो रही है हमारी, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में ही पास होना कंपलसरी है। अगर आप 8 में पास हो दूसरे पास नहीं हो तो आपके एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है SYCT SYCP, और ये भी होता है हमारा कई बार लिखा हुआ आता है SYC। ऐसे क्यों आते हैं, जब भी आपके रिजल्ट में लिखा हुआ आया हुआ है SYC तो मतलब समझ रहे हैं ना क्या है, आप प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में क्या है, या तो फेल होंगे आप या आपने अपेयर ही नहीं होंगे, आपने एग्जाम दिया नहीं हो रहा, क्लियर हो गया। दूसरा जो बात है हमारा प्रैक्टिकल टाइमिंग, देखो इस टाइम पे आप तो बताएं कि नॉर्मल रेगुलर क्लास नहीं हो पाती, डेली क्लास तो होती नहीं है, ओपन लर्निंग हमारा है NOS, तो उसमें क्या होता है बच्चों को आइडिया नहीं होता, और सर भी जो होते हैं वो नंबर स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो उनको अरेंज करना, उनको सेटअप करना, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये जो डिपेंड करता है ना, इस पर डिपेंड करता है हमारा नंबर स्टूडेंट पर, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि सबको अरेंज करना, नंबर के हिसाब से अरेंज करना, सबकी प्रैक्टिस फाइल चेक करना, उनका वाइवा लेना, ये सब चीज़ें। और तीसरी पॉइंट पे आने से पहले एक बच्चे ने ये बोला था कि सर मैंने प्रैक्टिकल फाइल सर अभी बनाई नहीं है, तो क्या मुझे बनाना जरूरी है, क्या मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं सर, अब क्या होता है? मैं आपको बोलूंगा कि ज़्यादा भी बात नहीं है, आप 8-9 पेज की प्रैक्टिकल फाइल बना लेना, कहीं से भी टेप उसे बना लो। रीज़न क्या है, प्रैक्टिकल में पास होना बहुत जरूरी है, और वो एग्जामिनर जो होते हैं हमारे वो मोस्टली वो ट्राई करते हैं कि बच्चों को पास करना, इतने नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप जिससे कि आप प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे। बस करना क्या है ना, फाइल प्रॉपर बनाना, और जो वाइवा हो रहा उसमें एक बार ध्यान रखना, चाहे गलत आंसर हो लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, अगर आप बोलोगे तो अच्छा इंप्रेसिव पड़ेगा, चाहे गलत बोल रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलना कि सर इसका आंसर ये नहीं है, सर ऐसे हो रहा और इसमें ये है, तो पूरी डिटेल में समझाना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तीसरा सबसे मेन क्या हमारा, डॉक्यूमेंट्स है। देख डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कैरी करने बहुत जरूरी है। अब वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब बताने वालों मैं आपको, सबसे पहले आपको कैरी करना है जो हमारा होल टिकट है। अगर आप जा रहे हो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए तो आपको प्रैक्टिकल का होल टिकट डाउनलोड करना है, अगर थ्योरी एग्जाम है तो थ्योरी एग्जाम कैरी करना बहुत जरूरी है, होल टिकट उसका।
भूलना मत। दूसरा मैं क्या है, एनआईएस का मैं जो आईडी कार्ड है उसे ले जाना मत भूलना, उसे ले जाना मत भूलना। तीसरा मैं क्या है, कोई भी आइडेंटिटी, मतलब ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, हमारा आधार कार्ड हो गया, कुछ भी आप ले जाओ, आईडी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी आप ले जाओ, जिससे क्या है ना, कई बार ऐसा होता है ना जो हमारी हॉल टिकट होती है उसमें फोटो एकदम क्लियर नहीं आ पाती है, ठीक है। तो आपको मैच करने के लिए एग्जामिनर कई बार क्या करते हैं, आपसे आईडी मान लेता है। तो उस टाइम पर आपके पास आईडी होगी तो आप आराम से एग्जाम दे पाओगे, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, वरना आप सबका टाइम वेस्ट होने वाला है, वरना आपसे टाइम वेस्ट होने वाले हैं। और ज्योमेट्री बॉक्स तो आप कंपल्सरी वो ले जाओगे, इसमें तो बताने वाली चीज़ है नहीं। तो ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स है ना कैरी करने बहुत जरूरी है, छोटी छोटी बातें ऐसी होती है ना जो पता होनी बहुत जरूरी है आपको। लास्ट बात ये है कि कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर हॉल टिकट जो है सर डाउनलोड नहीं हो रही। अब डाउनलोड नहीं हो रहा, अब करना क्या है, सीधा आप नॉर्मल एनवे साइट पर आप जाना, वहां पर नॉर्मल लॉगिन करना। लॉगिन करने पर क्या है, डैशबोर्ड पर आप आओगे, वहीं पर ही लेफ्ट हैंड साइड पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, वहीं पर ही हॉल टिकट ऑप्शन आएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, और या फिर अपना एनरोलमेंट नंबर कॉपी कर लेना, गूगल पर सर्च कर लेना। पूरा प्रोसेस मैंने समझाया हुआ है, मैंने वीडियो में देख लेना, उसमें पूरा बता रही क्या है क्या नहीं है। बस वहां से एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ कॉपी कर लेना, जिससे कि आप आराम से हॉल टिकट जो है वो ले पाओ। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखो चारों बातें थी ना मैंने आपको बता दी, जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाए उनको सोल से बता दिया कि चाहे आपको रात थोड़ी बेकार करनी पड़े, लेकिन मैं आपको ये बोलने आ रहा हूँ कि चाहे 8 से 9 पेज बनाओ, कम बनाओ, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल बनाए कंपल्सरी है। और वाइवा जो हो रहा है उसमें क्वेश्चन का आंसर दो, चाहे भले ही गलत दो, नहीं देना जरूर, जिससे कि बेनिफिट ये हो रहा कि आपके मार्क्स थोड़े अच्छे आ पाएंगे। बस मेरा वीडियो बनाने मोटिव ये था कि थोड़ा मैं बता पाऊँ कि क्या अवेयरनेस है क्या अवेयरनेस नहीं है। अगर आपको तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करने पर कंजूसी मत करना, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करना। जिस तरह लगता है कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ये वीडियो शेयर करना, जिस तरह आप देख रहे हैं ठीक उसी तरह के और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे आपके जो देखना चाहते हैं ये सब न्यूज़, है उनको पता नहीं होती क्या है क्या नहीं है, लगता है कि आपको उनको शेयर करनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, हर टाइम ग्रुप में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो शेयर करना, जिससे कि उनके भी डाउट्स क्लियर हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट कमेंट बिलो, और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शुभ बखैर।